24 आज है 27 मार्च 2019, और 27 मार्च 2019 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है पीटर ताबिची, ऑप्शन बी है अलवाहिद नूर, ऑप्शन सी है डेविड सैंडर्स, ऑप्शन डी है जॉन मैकिंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पीटर ताबिची को हाल ही में अभी ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये केन्या के रहने वाले हैं और इन्हें पुरस्कार स्वरूप $1 मिलियन दिया गया है। $1 मिलियन दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन टू, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी तोप को हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है नासक, ऑप्शन सी है धनुष, ऑप्शन डी है लक्ष्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, धनुष को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। ये बफोर्स की डिजाइन पर आधारित है और इसे देसी बफोर्स भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम देसी बफोर्स है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, भारत विश्व आर्थिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में किस स्थान पर है? इसका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए 76वें, ऑप्शन बी 77वें, ऑप्शन सी 78वें, ऑप्शन डी 79वें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 76वें स्थान पर है भारत। भारत 76वें स्थान पर है। 115 देश इसमें शामिल हैं, 115 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है 76वें, आपकी 2 स्थान की वृद्धि हुई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फोर, किस देश के हुबोई प्रांत में नदी के किनारे जैव वैज्ञानिकों को करीब 51.8 करोड़ साल पुराने हजारों जीवाश्म मिले हैं? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चीन में 51.8 करोड़ साल पुराने हजारों जीवाश्म मिले हैं खुदाई के बाद। क्वेश्चन फाइव, किस देश की सरकार ने संभावित बिजली कटौती से बचने के लिए चाय बगान वाले पर्वतीय क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका ने अभी हाल ही में कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सिक्स, किसने दक्षिण और पश्चिम भारत के लिए पेप्सिको इंडिया के फ्रेंचाइजी अधिकार खरीदने वाले सौदे को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है योजना आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, CCI। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेवन, पाकिस्तान द्वारा हाल ही में हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए किस पीठ के दर्शन हेतु गलियारे को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है श्रद्धा पीठ, ऑप्शन बी है जोगियान पीठ, ऑप्शन टी है कटास राज पीठ, ऑप्शन डी है शारदा पीठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शारदा पीठ, POK में स्थित शारदा मंदिर गलियारे को हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया है 25 मार्च 2019 को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एट, भारत ने किस देश के साथ मिलकर श्रीलंका स्थित हुबोनतोता बंदरगाह पर ऑयल रिफाइनरी का निर्माण काम शुरू कर दिया है? ऑप्शन ए है जॉर्डन, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है ईरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत की कंपनी एकार्ड ग्रुप, और ओमान का सरकारी विभाग इस $4 बिलियन समझौता किया है इस रिफाइनरी के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नाइन, डब्ल्यू
WHO के मुताबिक दुनिया भर में किस रोग से हर दिन करीब 4500 लोगों की मौत होती है और तकरीबन 30,000 लोग हर दिन इस निरोध बीमारी की चपेट में आते हैं? ऑप्शन ए TB, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है एड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए की WHO की रिपोर्ट आई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एग्जाम 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।